आगे बढ़ेंगे। 11 मई को हुए औरंगाबाद फसाद में दर्जनों दुकानों को नजरआतिश कर दिया गया था। इन दुकानों में शाहगंज चमन में वाकई चप्पल मार्केट की 22 दुकानें भी शामिल हैं, जो कि जलकर पूरी तरह से खाकसर हो गई थी। ऐसे तमाम मुतासिरीन को जमात इस्लामी हिंद की जानिब से चेक की सूरत में माली इमदाद तकसीम की गई, ताकि लुटे पिटे छोटे ताजिर फिर से अपना कारोबार शुरू तो कर सके। खास रिपोर्ट। हर शर में खैर पोशीदा होता है। ये छोटी सी तकरीब इन मानों में अहम कही जा सकती है कि ये मुट्ठी भर लोग खैर और अमन के पैगाम को आम करने जमा हुए हैं। ये उन मुतासरीन के आंसू पहुंचने की कोशिश है जिनका सब कुछ लुट चुका है। जमात इस्लामी हिंद के इस प्रोग्राम में दर्जनों छोटे ताजरों को 10,000 से लेकर 50,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। जमात के जिम्मेदारों के मुताबिक कुल 13,50,000 की रकम मुतासरी में तकसीम की गई है। काबिल जिक्र बात यह है कि इमदाद पाने वालों में 9 गैर मुस्लिम बरादरान भी शामिल थे। आज इस मौके पर जो इमदाद तकसीम हुई है, 13,44,000 की इमदाद तकसीम हुई है अब तक, जिसमें आज की शाम में 12.5 लाख रुपए दिए गए और तकरीबन 2.25 लाख रुपए अब तक मरीजों को और ज़रूरतमंदों को उनके घर ले जाकर दिया गया। और ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अमाउंट अब तक जमा हुई थी ये पूरी जो है तकसीम कर दी गई, लेकिन आइंदा मरहले जितने मसाइल है उसका भी सर्वे है और ये काम इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक कि पूरी तरह इन मसाइल का हल ना हो जाए और मुश्किलात का इजाला ना हो जाए। औरंगाबाद का फसाद यूं तो 16 घंटे में काबू में आ गया, लेकिन इस दौरान शरपसंदों ने जो तबाही मचाई इसका फौरी इजाला नामुमकिन है। आने वाहिद में 10,000 करोड़ की इमलाक तबाह कर दी गई और सैकड़ों हाथ बेरोजगार हो गए। ऐसे में मिल्ली जमातों के नुमाइंदा फेडरेशन, मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के जिम्मेदारान दीगर जेली तंजीमों के तआवुन से कई मरहलों में काम कर रहे हैं। वकील हजरात का जो मुस्लिम का जो ग्रुप है उसको जिम्मेदारी दी थी, इसी तरह सर्वे और रिलीफ का काम करने के लिए जमात को तय किया था कि जमात इस सिलसिले में काम करे और सब मिलकर इनका साथ दें। इस तरह जो है नुमाइंदगी के लिए पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सब लोगों को लेकर सीपी है या डीजी है, गवर्नर वगैरह, सीएम से मुलाकातें हुई। 3 मरहलों में ये काम काउंसिल ने तय किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो धीरे धीरे चल रहा है। जमात इस्लामी हिंद की इस काविश की सताइश की जा रही है। जमात का कहना है कि अभी एक मरहला तय हुआ है। ये इमदाद मुतासरीन के नुकसान का मदावा तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कम से कम वो छोटे पैमाने पर ही शुरुआत जरूर कर सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।